मूवी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से। उस गांव में एक बंटी नाम का लड़का रहता है और वो अपने बकरियों का ख्याल रखता है। बंटी बाहर का दुनिया शहर देखना चाहता है लेकिन उसके पापा उसे कहीं नहीं जाने देता। बंटी के पापा सिलाई का काम करता है और बंटी को भी वही सिखाना चाहता है। और एक दिन इसी बात पे उन दोनों बीच बहस हो जाती है। तभी बंटी के पड़ोसी साहिल उस बात को सुन लेता है और बंटी की मदद करने का सोचता है। नेक्स्ट डे बंटी उदास होकर घर से बाहर निकलता है। तभी साहिल बंटी को बुलाता है और उड़ने वाली कालीन दिखाता है। फिर वो कालीन बंटी को देता है और कहता है, तुम बिकराल के शहर स्वर्णपद की ओर उड़ान भरो और मेरे पोटी को भी ढूंढ के साथ में लाना। फिर बंटी उसके पोटी के बारे में पूछता है। साहिल कहता है, बिकराल स्वर्णपद का राजा है और वो मेरे कालीन चुराना चाहता था, तो मैं वहाँ से भाग गया लेकिन मेरे पोटी को साथ में ला नहीं पाया। साहिल अब बूढ़ा हो चुका होता है तो जा नहीं सकता, तो इसलिए बंटी को कहता है। बंटी कालीन लेके अपने घर आता है और स्वर्णपद जाने के लिए अपने पापा से परमिशन मांगता है और उसके पापा उससे पूछते हैं, तू इतना दूर कैसे जाने वाला है। फिर बंटी उड़ने वाली कालीन के बारे में कहता है। फिर उसके पापा हंसने लगते हैं और बंटी से कहता है, अगर ये कालीन उड़ा तो तू जहाँ जाना चाहता है जा सकता है। फिर बंटी उस कालीन को उड़ाने की कोशिश करता है लेकिन कालीन नहीं उड़ता। फिर बंटी कालीन को प्यार से सहलाता है और कालीन उड़ने लगता है। ये देख के उसके मम्मी पापा हैरान रह जाते हैं। फिर बंटी अपने बकरी के साथ शहर की ओर निकल जाता है। बंटी शहर पहुंच जाता है। बंटी जैसा सोचा होता है शहर वैसा ही होता है लेकिन वहाँ का लोग वैसे नहीं होते, सभी अपने मतलब के लिए काम करते हैं। बंटी आते ही बिकराल के कबूतर लाने वाले इंसान से टकरा जाता है। फिर वो इंसान बंटी से कालीन छीनने की कोशिश करता है। तभी वहाँ से कुछ बच्चे चोरी करके भाग रहे होते हैं और उसमें से एक सुनहरी नाम की लड़की बंटी को बचा लेती है। फिर वो इंसान सिपाही को बता देता है। बंटी उस बच्चों के पीछे पीछे भागता है। वो लोग एक टनल में जाते हैं और वो सब वहीं पे रहते हैं। वहाँ पे एक गुड्डू नाम का इंसान रहता है जो बच्चों से चोरी करवाता है। बंटी थोड़ी देर वहीं पे ठहरने के बाद सुनहरी को बाई बोल के वहाँ से निकल जाता है। सुनहरी का नाम ही हीरा होता है लेकिन बंटी को पता नहीं चलता। बंटी और बकरी बाहर आके कालीन के ऊपर बैठते हैं और उड़ के एक घर के छत में जाके सो जाते हैं। पीछे से वही गुड्डू नाम का इंसान सब कुछ देख रहा होता है। जैसे ही सुबह बंटी और बकरी उठते हैं वहाँ पर कालीन नहीं होता। उन्हें लगता है सुनहरी नहीं है, वो कालीन चुराया होगा। फिर बंटी और बकरी सुनहरी के पास जाते हैं। सुनहरी कहती है, मैंने कालीन नहीं चुराया, ये काम गुड्डू का हो सकता है। फिर बंटी सुनहरी से मदद मांगता है कालीन ढूंढने के लिए। सुनहरी भी रेडी हो जाती है मदद करने के लिए। राजा बिकराल को जो भी उड़ने वाली कालीन देगा बिकराल उसको सेनापति बनाने का वादा किया होता है। इसलिए गुड्डू कालीन लेके राजा बिकराल के पास पहुँच चुका होता है। भोजन करने के बाद बिकराल कालीन की सवारी करने वाला होता है। इधर सुनहरी बंटी को एक औरत के पास लेके जाती है। वो औरत महल में फल ले जाने का काम करती है। महल में घुसना उतना आसान नहीं होता तो इसलिए सुनहरी और बंटी उस औरत से मदद मांगते हैं। फिर वो औरत उन लोगों की मदद करती है। उन दोनों को टोकरी के अंदर रख के ऊपर से फल से ढक देती है और महल की ओर लेके जाती है। महल में सिपाही फल को चेक करते हैं और जाने देते हैं। अब सुनहरी और बंटी महल के अंदर होते हैं और कालीन ढूंढना शुरू करते हैं। इधर राजा बिकराल कालीन की सवारी करने के लिए रेडी होता है और गुड्डू को कालीन लेके बुलाता है। सिपाही बिकराल को उठा के कालीन के ऊपर बैठा देते हैं और गुड्डू कालीन को उड़ाने की कोशिश करता है लेकिन कालीन नहीं उड़ता और कालीन बिकराल को उछाल के फेंक देता है। फिर गुड्डू कालीन को सबक सिखा के लाऊंगा बोल के कालीन को टॉर्चर करने वाले रूम में लेके जाता है और कालीन को बांध देता है। फिर सुनहरी और बंटी कालीन को देख लेते हैं। सुनहरी जैसे ही कालीन को छुड़ाती है तभी दरवाजे से साउंड आता है और सिपाही बंटी को पकड़ लेते हैं और काल कोठरी में बंद कर देते हैं। फिर बंटी उस काल कोठरी से गार्ड को चकमा देके वहां से निकल जाता है और सीधे कालीन के पास जाता है। बंटी कालीन पकड़ता है और भागने लगता है। तभी सुनहरी भी वहां पे आ जाती है और वो दोनों कालीन पे बैठते हैं और भागने की कोशिश करते हैं लेकिन सिपाही उन दोनों को पकड़ लेता है। उसके बाद राजा सुनहरी को मगरमच्छ को खिलाने वाला होता है। फिर बंटी कहता है, उस कालीन को मेरे अलावा कोई नहीं उड़ा सकता, अगर आप सुनहरी को छोड़ दोगे तो मैं आपको कालीन उड़ाना सिखाऊंगा। फिर राजा बिकराल मंजूर हो जाता है। फिर बंटी बिकराल को और गुड्डू को कालीन में बैठने के लिए कहता है और बंटी उस कालीन को उड़ाता है और उन दोनों को ऊपर से नीचे मगरमच्छ के ऊपर गिरा देता है। फिर वो मगरमच्छ उन दोनों को खाने के लिए पीछे पीछे जाते हैं। फिर सुनहरी बंटी से कहती है, मेरा नाम ही हीरा है और मेरा दादू का नाम ही साहिल है। फिर बंटी हीरा को और बकरी को लेके घर की ओर निकल जाता है और मूवी यहीं पर फिनिश होती है।